हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हो मनोज से हेल्पिंग हैंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे आदि पुरुष में कुछ गलतियों के बारे में। हमें ट्रेलर के शुरुआत में दिखाया जाता है कि भगवान श्री राम समुद्र में तपस्या कर रहे हैं, जबकि भगवान श्री राम कभी भी समुद्र में तपस्या नहीं किए थे। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश। और बाद में तुरंत ही भगवान श्री राम भूतों को मारते हुए दिखते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो भगवान श्री राम के नीचे तो सिर्फ पानी है, और ये तो हैरी पॉटर वाला सीन है। न्याय के हाथों होकर रहेगा न्याय का सर्वनाश। और भगवान श्री राम इतने गुस्सैल नहीं थे जितना इसमें दिखाया जा रहा है। हमारे पुराने रामायण में तो भगवान श्री राम अधिकतर जगहों पर मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ रावण भगवान शिव का आराधना कर रहा है, पर एक सेकेंड, रावण ने ऐसा बाल कब कटवाया था? और रावण तो ब्राह्मण था, वो ऐसा कपड़ा क्यों पहनेगा? और ये रावण खिलजी जैसा क्यों दिख रहा है? चलिए अब अगली सीन पर चलते हैं। यहाँ हमें रावण चमगादड़ की सवारी करते हुए दिखता है, जबकि उसके पास तो पुष्पक विमान था, तो वो चमगादड़ की सवारी क्यों करेगा? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, ये गुस्सा किस पर कर रहा है? रावण हमेशा अपने दसों सिरों को सबको दिखाता नहीं फिरता था। आ रहा हूं मैं। यहाँ भगवान श्री राम वनवासी वेश में बिल्कुल नहीं दिखते हैं। हनुमान जी को तो यहाँ पर गोरिल्ला बना दिया गया है, जबकि हमारे पुराने रामायण तो इन्हें वानर दिखाया गया था, और असलियत में भी हनुमान जी वानर ही थे। वो अलग प्रजाति का था जो कि अब विलुप्त हो चुके हैं। और ये हनुमान जी काजी जैसा क्यों दिख रहे हैं? ये तो पूरा गेम जैसा एडिटिंग किया गया है। यहाँ पे रावण चलता हुआ आ रहा है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ फेयर एंड लवली की शूटिंग चल रही है। ये रावण फिर गुस्सा हो रहा है। इस ट्रेलर में तीन बार में दो बार गुस्सा करते हुए दिखता है, और आखिरी बात यह है कि भगवान श्री राम को वन जाने के बाद जूते पहने हुए दिखाया जाता है, जबकि वन में श्री राम प्रभु खड़ाऊ पहना करते थे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सारा पकड़ा है। ओके, थैंक यू।